हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक एनिमल स्पीशीज, एक जानवर की प्रजाति जिसे डोल के नाम से जाना जाता है। तो भारत में डोल की आबादी जो है उसका संरक्षण करना है। डोल क्या है? जिसको वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता। तो डोल पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान के अंदर, उसके संरक्षण की जरूरत है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से जो है वो चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आपको डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपने प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाना है। डोल पॉपुलेशन और एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में, भारत में इस जंगली कुत्ते की, एशियाई जंगली कुत्ते की आबादी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब इसके संरक्षण के लिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए कुछ कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और वो कदम क्या है? कनेक्टिविटी बिटवीन आइसोलेटेड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट इन टूडेज फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप्स इन ऑर्डर टू रेप्लेनिश जीन पूल्स ऑफ स्पीशीज टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग। यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि छोटे छोटे पैचेज में, मान लीजिए डोल की थोड़ी आबादी, एशियाटिक वाइल्ड डॉग की कुछ आबादी जो है वो यहां पर है, इस पैच में है, थोड़ी सी आबादी जो है वो इस पैच में है, तो यहां पर इनके बीच में एक कंसोलिडेशन, एक कनेक्टिविटी करने की जरूरत है, ताकि ये स्पीशीज, ये जो डोल पॉपुलेशन है, ये आपस में ब्रीड कर सके, जिससे इनकी पॉपुलेशन जो है उसको सस्टेन किया जा सकेगा, इनकी आबादी को कम होने से जो है वो बचाया जा सकता है। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस कंसोलिडेशन के लिए रीसेंट स्टडी हैज आइडेंटिफाइड 114 प्रायोरिटी तालुकास ऑब्लिक तहसील्स वेयर हैबिटेट्स कैन बी कंसोलिडेटेड टू एनहांस पॉपुलेशन कनेक्टिविटी फॉर डोल और एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसको सियोन एल्पिनस के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इसका जो है वो सियोन एल्पिनस है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दूसरे शेड्यूल के अंतर्गत आता है। यहां पर इस प्रजाति को, इस स्पीशीज को, इस पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए एक स्टडी में, एक अध्ययन में 114 गांव, 114 तालुके, तहसीलें जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर एरियाज को आपस में कनेक्ट करके, कंसोलिडेट करके इनकी पॉपुलेशन जो है उसको बचाए जाने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है। डोल और एशियाटिक वाइल्ड डॉग सियोन एल्पिनस या क्योन एल्पिनस को कहते हैं, इज फाउंड इन 3 क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया। भारत में ये 3 समूहों में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि भारत में 3 क्लस्टर्स में, 3 समूहों में इसकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है। एक तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, दूसरा मध्य भारत में, और तीसरा पूर्व उत्तर भारत में। यहां पर ये 3 क्लस्टर्स में ये डॉग जो है वो पाया जाता है। पर्टिकुलर फोकस शुड बी ऑन हैबिटेट पैचेस एंड तालुकाज दैट फैसिलिटेट मूवमेंट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो इस रिसर्च पेपर में, इस अध्ययन में ये बात कही गई कि 3 अलग अलग पैचेज में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इनकी मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है। तो कुछ इलाके, कुछ तहसील, कुछ तालुके ऐसे हैं जहां से इनको कनेक्टिविटी जो है वो दी जा सकती है, और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करने वाले तालुके, यानी कि सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है जहां से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट किया जा सकता है, वहां पर इनके हैबिटेट के पैचेस पे फोकस किया जाना चाहिए, ताकि वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट तक आसानी से इनका मूवमेंट जो है वो हो सके, इनका मूवमेंट जो है फैसिलिटेट किया जा सके। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन फॉर डोल्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ये दोनों ही जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन है, यानी कि ये इन डोल प्रजाति का गढ़ जो है वो माने जाते हैं। अगर हम भारत के नक्शे को यहां पर देखें तो इस तरीके से यहां पर है वेस्टर्न घाट्स, यहां पर ईस्टर्न घाट्स है,
ये दोनों ही जगह पर काफी संख्या में ये ढोल जो है वो मौजूद है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है यहां पर, सेंट्रल इंडिया अपीयर्स टू बी वीक इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। यहां पर इतना ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो नहीं होने के कारण, कनेक्टिविटी इन द सेंस जहां से ये ढोल प्रजाति जो है वो एक घाट से दूसरे घाट जा सके, तो ये जो एरिया है अगर यहाँ के तालुके और तहसील में इनके हैबिटेट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए तो बहुत आसानी से ये मूवमेंट जो है वो फैसिलिटेट होगा। वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट ये ढोल प्रजाति जो है वो जा पाएगी और अल्टीमेटली इनकी प्रॉपर ब्रीडिंग होगी विद इन दिस स्पीशीज और ये जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। ढोल की अगर हम बात करें, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता इसको कहा जाता है। ढोल इज कैनिड नेटिव टू सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में, ये साउथ ईस्ट एशिया तक में ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग, माउंटेन वुल्फ, तो अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। ये जो है ये बहुत ही अत्यधिक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, बहुत ही ज्यादा सोशलाइज जो है ये आसपास के सराउंडिंग्स के साथ करता है। लिविंग इन लार्ज क्लैंस विदाउट रिजिड डोमिनेंस, बड़े बड़े ग्रुप्स में ये जो है वो रहता है, जहां पर मल्टीपल ब्रीडिंग फीमेल्स जो है वो होती है, इनके बड़े से झुंड में कई प्रजनन करने वाली मादाएं जो है वो मौजूद होती है। कुछ इस प्रकार का दिखता है, थोड़ी सी रिजेम्बलेंस जो है वो डॉग के साथ में है, वुल्फ के साथ में इसका रिजेम्बलेंस हो सकता है, फॉक्स की तरह भी ये थोड़ा सा दिखता है, लेकिन असल में ये ढोल प्रजाति है, ये जो है ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। इट इज लिस्टेड अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट, तो IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत जो है वो सूचीबद्ध है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। क्यों इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है और क्यों इसके संरक्षण की जरूरत पड़ रही है वो समझेंगे। फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इंक्लूड्स हैबिटेट लॉस, किन कारणों से इसकी आबादी में गिरावट आ रही है, उसमें सबसे पहले आता है हैबिटेट लॉस। जहां पर ये रहते हैं, जो इनका निवास स्थान है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, इंसान की मौजूदगी के कारण ज्यादा से ज्यादा एरियाज जो हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन आदि या फिर एग्रीकल्चर आदि किया जा रहा है, तो इंसानों की इंटरवेंशन के कारण इनके रहने की जो जगह है वो कम होती जा रही है। लॉस ऑफ प्रे, वो सारे के सारे शिकार जिनको ये खा करके जीवित रहते थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है तो सिर्फ ढोल के लिए नहीं हो रहा है, बाकी प्रजातियों के लिए भी हैबिटेट लॉस हो रहा है, और हैबिटेट लॉस के कारण जो इनके शिकार हैं वो भी कम हो रहे हैं। कॉम्पिटिशन विद अदर स्पीशीज, बाकी प्रजातियों के साथ में भी इनका जो एक टकराव रहता है, उस कारण से इनकी आबादी जो है वो कम हो रही है। डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक डॉग्स, प्रोसिक्यूशन ड्यू टू लाइफ स्टॉक प्रेडेशन, तो ये कई बार ये क्या करते हैं कि जो घरेलू मवेशी हैं, जो लोगों ने अपने घरों में मवेशी रखे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से इनको या तो मार दिया जाता है या कहीं दूर भगा दिया जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इनकी आबादी जो है वो कम होती जा रही है। दे लाइक ओपन स्पेसिस एंड कैन बी फाउंड ऑन जंगल रोड्स, रिवर बेड्स, जंगल क्लियरिंग्स एंड पैचेस वेयर दे रेस्ट ड्यूरिंग द डेज, तो दिन के समय में ये जंगल के बाहर सड़कों पर, रास्ते में या फिर जंगल के अंदर कुछ क्लियर पैच हो जहां पे पेड़ ज्यादा नहीं हो, वहां आकर के रेस्ट करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट स्टेपिस, थिक जंगल्स ऑफ द प्लेन्स एज वेल एज हिल्स, तो मैदानी इलाकों के और घने जंगल वाले पहाड़ी इलाकों में जो है ये देखे जा सकते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ डोल इज अबाउट 10 years, करीब 10 साल इसकी जीवन काल, इसकी आयु जो है वो रहती है अगर ये जंगल में रहे, और अगर इसको कैप्टिविटी में यानी के कैद करके या किसी पिंजरे आदि में रखा जाए तो वहां पर इसका लाइफ स्पैन जो है वो 16 years तक का हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर ये जंगल में रहता है तो मात्र 10 साल इसकी एज जो है वो रहती है। अडल्ट फीमेल कैन वे फ्रॉम 10 to 17 kg, एक वयस्क मादा जो है उसका वजन 10 से 17 किलो हो सकता है, जबकि जो इसमें लार्जर मेल है, जो वयस्क नर है, उसका वजन 15 से 21 किलोग्राम तक हो सकता है। डोल जो है उसकी शारीरिक बनावट कैसी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड स्कल, उसकी चौड़ी सी खोपड़ी होती है, और शॉर्ट एंड ब्रॉड मुजल, जो उसका चेहरे के आगे मुजल होता है वो एक तो साइज में छोटा होता है और काफी चौड़ा सा होता है, ये उसके शरीर की बनावट है। द फर ऑन द बैक एंड फ्लैंक्स इज रेडिश ब्राउन, इसकी पीठ पर और साइड्स पे जो फर होती है वो भूरे रंग की होती है, लेकिन उसके नेक और चेस्ट और अंदरूनी तरफ जो फर है वो व्हाइट या लाइट कलर होती है। कभी भी आप इसकी इमेज निकाल करके देखिएगा, बैक पर और साइड्स पर डार्क फर होगी, और जो इनर साइड है, अंडर साइड है या नेक के पास इसकी जो फर है वो या तो सफेद रंग की होगी या बहुत ही हल्के रंग की होगी।
ये जो डोल्स हैं दे आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स, आपस में बहुत अच्छे से संचार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं एंड यूज अ टेरिबल विजल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ही अजीब सी सीटी जैसी ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इन्हें विसल डॉग्स भी कहा जाता है। तो सीटी का प्रयोग ये करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। सीटी के साथ साथ में दे ऑल्सो यूज वेराइटी ऑफ अदर नॉइसेस इंक्लूडिंग क्लक्स एंड हाई पिच स्क्रीम्स, क्लक्स और ऊंची ऊंची चीखों के साथ एक दूसरे से बात करते हैं। The whistling sound of the dole is so distinct that it can be used to identify individual animal. ये जो whistling sound, ये जो सीटी मारने की आवाज निकालते हैं वो इतनी अलग है कि इस आवाज से आप identify कर सकते हैं कि dole जो है वो कहां पर मौजूद है और कितने हो सकते हैं ये number में। तो इसकी sound जो है वो एक इसकी पहचान बन चुकी है। Dole जो है they prey on hoofed mammals, ये स्तनधारी जानवरों का शिकार करते हैं। ये डियर तक अगर झुंड में हो तो डियर को खा सकते हैं, जंगली सुअर को, भैंस को और वाइल्ड गोट्स को भी अपना शिकार बनाते हैं अगर ये झुंड में हो तो। इन साउथ ईस्ट एशिया डोल्स फीड ऑन डियर, गॉड, बैंगतंग एंड इन साइबेरिया दे ईट डियर, वाइल्ड शीप एंड रेनडियर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं जिस वजह से ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, गोट का शिकार किया, बफलो का शिकार किया, पिग का, वाइल्ड शीप का, रेनडियर आदि का शिकार किया। इसके अलावा ये छोटे छोटे जानवर ये बेरीज खा करके, बग्स, लीजर्ड्स या रैबिट्स आदि खा करके भी जो है वो अपना पेट जो है वो पाल सकते हैं, अपना गुजारा जो है वो कर सकते हैं। ये यानी कि विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रे को ये खाते हैं और अपनी लाइफ जो है उसको सस्टेन करते हैं। अब ये प्रजाति जो है, ये डोल स्पीशीज जो है वो डिक्लाइन पे है। डिक्लाइन का कारण मैंने आपको बता दिया है कि इनके हैबिटेट्स जो है वो बहुत ही स्कैटर्ड हो चुके हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कंसोलिडेट करके एक लिंक बनाया जाए ताकि ये जो पैचेज में, अलग अलग पैचेज में रहते हैं वो आपस में कनेक्ट रहें और उनकी ब्रीडिंग के साथ में इनकी आबादी जो है वो बढ़ सके। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी आई क्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, चाहे मीडी प्री हो या मेंस हो, तो डेफिनेटली इन कोर्स में आपको एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आई क्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।